कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर वीकली एक्सपायरी है, तो कैसे हम इस वीकली एक्सपायरी को सुपर प्रॉफिटेबल बना सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एक्सपायरी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको चार्ट समझ में आना चाहिए। चार्ट मीन्स आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का, कि वो किस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगा रही है, ताकि कल के ट्रेडिंग सेशन में हम उसी डायरेक्शन में अपने ट्रेड को प्लान करके मार्केट से यूज़ एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सके। तो उसी डायरेक्शन को एनालाइज करने के लिए हम निफ्टी का डेली चार्ट एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि भाई निफ्टी का जो डेली चार्ट है वो किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, निफ्टी ने ये पर्टिकुलर हाई बनाया, जिस पर्टिकुलर हाई के ऊपर निफ्टी अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया, देन उस पर्टिकुलर हाई के बाद निफ्टी के अंदर डेली बेसिस पे लोअर लोस की सीरीज कंटिन्यू, आई कैन से दैट, एंड जो कि एज पर द डाउ थ्योरी एक बेरिश मोमेंटम को इंडिकेट करती है। लेकिन जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे हैं, ये शॉर्ट रिकवरी का ये लोएस्ट पॉइंट था जो कि 17,776 का था, देन मार्केट ने इस पर्टिकुलर हाई के बाद एक शॉर्ट रिकवरी दिखाई, एंड इस पर्टिकुलर शॉर्ट रिकवरी को मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो में भी बताया था, जो व्यूअर्स थे उन्होंने मार्केट से यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न किया होगा। एंड अगेन मार्केट ने ये पर्टिकुलर हाई बनाया, देन इस पर्टिकुलर हाई के बाद अगेन मार्केट के अंदर एक शार्प करेक्शन अपने को दिखने को मिली, लेकिन इस शार्प करेक्शन का जो लोएस्ट पॉइंट था वो एग्जैक्टली जो प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट था उसी के पास मार्केट ने सपोर्ट लिया है। इट्स मीन कि मार्केट अभी अपने क्रूशियल सपोर्ट जोन पर ट्रेड हो रहा है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। तो जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, आज का जो लोएस्ट पॉइंट है वो 17,824 का है, और जो इस पर्टिकुलर स्विंग का लोएस्ट पॉइंट है वो 17,776 का है। इट्स मीन कि यहाँ से मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन अपने को देखने को मिल सकती है, लेकिन मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में 17,776 के ऊपर अपने आप को सस्टेन करता है, देन इमीडिएटली आपको एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है, और एसएल आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट से एग्जैक्टली 10 पॉइंट नीचे की तरफ मेंटेन करना है। बात करें टारगेट की, तो इस पर्टिकुलर कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपको फर्स्ट टारगेट मेंटेन करते हुए चलना है, जो कि 17,976 का रहने वाला है। तो इस तरीके से कल के ट्रेडिंग सेशन में आप निफ्टी के अंदर अपसाइड में अपनी ट्रेड को प्लान करके चल सकते हो, लेकिन किंतु परंतु कल ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर दे, तो आपको वेट करना है। अगर मार्केट 17,776 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करती है तो पुट ऑप्शन बाय कीजिए, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रही है तो कॉल ऑप्शन बाय कीजिए, एज सिंपल। चलिए गाइस, अब बैंक निफ्टी के भी डेली चार्ट को यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का जो डेली चार्ट है वो किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, ताकि हम उसी डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लान करके मार्केट से यूज एंड को एक प्रॉफिट अर्न कर सके। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, बैंक निफ्टी ने ये पर्टिकुलर हाई बनाया, देन इस पर्टिकुलर हाई से बैंक निफ्टी शार्पली करेक्ट हुआ, देन करेक्ट होने के बाद बैंक निफ्टी ने ये पर्टिकुलर लो बनाया जो कि 41,573 का था, देन इस पर्टिकुलर लो से मार्केट के अंदर एक शॉर्ट रिकवरी अपने को देखने को मिली, एंड इस पर्टिकुलर शॉर्ट रिकवरी का ये हाईएस्ट पॉइंट था, देन इसके बाद मार्केट के अंदर एक करेक्शन अपने को देखने को मिली, और एग्जैक्टली जो सेकंड करेक्शन थी उस पर्टिकुलर करेक्शन ने जो प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट था उसके पास ही सपोर्ट लिया है, जो कि 41,573 का था। तो 41,573 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल सपोर्ट है। जैसे कि आप सभी देख पा रहे, जो पर्टिकुलर आज की कैंडल है उस पर्टिकुलर कैंडल ने भी समवेयर इसी के पास आकर बाउंस बैक किया है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको ये देखना है, अगर मार्केट आज के ट्रेडिंग सेशन का हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक करती है जो कि 42,306 का है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है, देन यहाँ पर आपको एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है। बात करें एसएल की, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से एग्जैक्टली 50 पॉइंट नीचे की तरफ एसएल मेंटेन करना है। बात करें टारगेट की तो इस कंसोलिडेट स्विंग का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपको एज अ टारगेट मार्क करते हुए चलना है।